सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 का जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.4 का हमने आपको बेसिक इंट्रो समझा दिया है, ठीक। और आज की वीडियो में हम आपको ये चार एग्जांपल्स जो गिवन है वो बता देंगे, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज बता देंगे कि ये अच्छा चैप्टर था। अब बताएंगे, देखो जान से हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था कि अलग अलग समझ के एक साथ पूरा कोड रिलेट करोगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो अभी तक हमने आपको डिराइव करके क्या क्या चीज़ें बताई है, तो पहला बताया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन। दूसरा फार्मूला बताया है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला बताया है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से हम इसको लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा इज वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया था कैसे आया है, इसमें से इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको यहां से लिख सकते हैं वन इज इक्व टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज टेन स्क्वायर थीटा। देखो ना, वन को उधर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज टेन स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज वन। उसी तरह यहां से आप लिख सकते हो वन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या वन को उधर ले जाओ तो कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने आपको डिटेल एक्सप्लेन की थी पिछली एक्सरसाइज में, तो आज की एक्सरसाइज में हम इन सब को यूज करते हुए आपको एग्जाम्पल समझाएंगे कैसे कैसे बनाना है। पहला क्वेश्चन कर, और इसमें एक और दो चीज बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसी तरह कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल वन अपॉन कॉसेक थीटा, ये पहली एक्सरसाइज में बताई थी। उसी तरह सेक थीटा या कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल वन अपॉन सेक थीटा, एंड बचा क्या हमारे पास, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन थीटा का रेसिप्रोकल वन अपॉन कॉट थीटा। तो इन सारी चीजों को यूज करते हुए आज हम आपको इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ऐसा कीजिए कि कॉस ए बराबर कुछ साइन ए आ जाए, दूसरा ऐसा कीजिए कि टेन ए बराबर साइन ए आ जाए, और तीसरा ऐसा कीजिए कि सेक ए बराबर साइन ए आ जाए। तो देखिए, तो यहां से हम देखते हैं कि कॉस और साइन में क्या रिलेशन है, तो हम ये फॉर्मूला उठा सकते हैं। हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन। यहां से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां ए दिया गया है, तो इसको थीटा को ए में बदल देते हैं, कॉस स्क्वायर ए इज वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, सॉरी स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो कॉस ए इज अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। हम जानते हैं जब भी एक्स स्क्वायर बराबर फोर होता है तो एक्स इज इक्व टू प्लस माइनस लिखते हैं, तो यहां भी तो प्लस माइनस लिखना था, लेकिन हमें यह पता है कि साइन की वैल्यू या तो माइनस वन हो सकती है या वन हो सकती है, इसके बीच की हो सकती है, तो यहां कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो निगेटिव तो रूट के अंदर आएगी नहीं, यानी हमें रूट के अंदर की निगेटिव वैल्यू तो पढ़नी नहीं है। रूट के अंदर निगेटिव अगर हमें हो जाता है तो इलेवेंथ क्लास में पढ़ना है, यानी ओवरऑल जो इसका रिजल्ट आएगा वो प्लस में आ जाएगा। तो यहां से हमने आपको कॉस का रिलेशन, कॉस बराबर साइन पा लिया ना, पहला तो प्रूफ कर दिया। अब कहता है सेक बराबर साइन पाइए, तो अभी अभी हमने देखा है कि सेक थीटा बराबर वन अपॉन कॉस थीटा हमने लिखा था, यहां सेक थीटा कॉस थीटा इज वन अपॉन सेक थीटा, इसको इधर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज वन अपॉन कॉस थीटा, एक ही बात है। तो यहां से हमने लिख लिया सेक थीटा इज वन अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह ये मिला है तो लगा देते हैं, सेक थीटा इज वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ए चाहिए था इसलिए ए लगा दिया यहां, क्योंकि ए में दिया गया था, बात समझ रहे हो। अब हमें कहता है टेन बराबर बताइए कि कैसे साइन के टर्म में ले आओगे, तो क्या करें, टेन का कौन सा ऐसा रिलेशन है जो साइन को रिप्रेजेंट करता हो, तो हम एक काम करते हैं, हम जानते हैं टेन थीटा
थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां से हम लिख सकते हैं टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। किसी तरह से हमें टेन बराबर सिर्फ साइन रखना था, कॉस बराबर सिर्फ साइन रखना था, सेक बराबर सिर्फ साइन रखना था। तो हमने अपना दिमाग यूज किया, पहला यहां पे कॉस बराबर साइन कर लिया, दूसरा यहां पे सेक बराबर साइन कर लिया, और तीसरा यहां पे टेन बराबर साइन कर लिया, और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बोलो बात समझ में आई, श्योर शॉट। और ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी है, अगर आपको यही पे समझ में आ गया तो उसको ट्राई करना, बाद बाकी जब हम एक्सरसाइज बताएंगे तो इसके क्वेश्चन भी बताएंगे तो उसको भी समझाएंगे। तो इसको आप नोट डाउन करो, इसको हम इरेज करते हैं। तो आप जैसे भी यूज कर सकते हो, जिस तरीके से आपको इस तरह करना है कि टेन ए बराबर ओवरऑल साइन ही सिर्फ आए और कुछ ना रहे, सेक बराबर ओवरऑल सिर्फ साइन आए, जैसे आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट के अंदर आ जाए कुछ भी आ जाए, लेकिन सिर्फ सेक बराबर साइन होना चाहिए, कॉस बराबर साइन होना चाहिए और टेन बराबर साइन होना चाहिए। ए था इसलिए थीटा की जगह ए लगा दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन में आते, इरेज कर दे इसको, नोट डाउन कर लो, ये रखेंगे ये और ये तो क्वेश्चन है, रखेंगे ये इरेज करेंगे बीच वाला पार्ट। अब देखो एक हम आपको लॉजिक सिखाते हैं, कौन सी लॉजिक सर, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो दूसरा एग्जाम्पल में दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 13 में, एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 13 में जो दिख रहा है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, sec a 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज sec a प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, तो सबसे पहले तो आप LHS उठाओगे, और जब भी प्रूफ वाली क्वेश्चन आए ना तो आप कोशिश करो सारे टर्म को साइन और कॉस में ले आते हैं, सारे टर्म को किसमें चेंज कर लेते हैं, साइन और कॉस में, एकदम 90% लॉजिक में चलेगा। जैसे ये क्वेश्चन है ऑलरेडी साइन कॉस में, तो एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें थोड़ी बहुत रिदम इधर उधर होगी, और बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे पहला आप ट्राई आप क्या करोगे कि उसको साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करोगे, पहला अटेम्प्ट आपका यही होना चाहिए कि उसको साइन कॉस में चेंज करो। तो हमारे पास सेक है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख देते हैं, कॉस ए ये ऑलरेडी साइन में है तो 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज्ड। यहां से फिर LHS को लेकर चल रहे, RHS वेरीफाई करना, प्रूफ डेट करना, तो LHS को 1 प्रूफ कर देंगे तो RHS के बराबर हो जाएगा। sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, थीटा इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यहां पे a में दिया गया। अब यहां से मिलेगा 1 अपॉन कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, और यहां पे आ जाएगा कॉस ए इज द LCM, और ऊपर में क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। अब देखो ना कॉस ए एलसीएम लोगे 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, तीनों मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे वाला मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर में क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से आपको क्या मिलेगा 1 स्क्वायर इज 1, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, तो यहां से लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कैंसिल्ड आउट इट इज बिकेम 1, और RHS में भी 1 है तो यहां से हमने वेरीफाइड कर दिया, या कह सकते हो प्रूव्ड कर दिया कि भाई ये जो LHS है RHS के बराबर है, 1 आ रहा है। तो देखा आपने हमने क्या लॉजिक लगाया, इस पूरे एक्सरसाइज में यही लॉजिक करना है कि सबसे पहला काम आपको करना है कि जो भी चीज गिवन है उसको साइन कॉस में बदलने की कोशिश करो, आगे आपको खुद ब खुद दिखता चला जाएगा और ये चीजें आपके दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। ठीक है, ये लिख लो आप, इरेज करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14th पे, मतलब एग्जाम्पल नंबर 14th पे। अगर वीडियो फास्ट स्लो हो रहा होगा तो यूट्यूब ने आजकल बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप इसको 2x के स्पीड से देख सकते हो, 1x के स्पीड से देख सकते हो, 0.5 के स्पीड से स्लो भी कर सकते हो। अब एग्जाम्पल 14 में कहता है कि cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। सबसे पहले हम LHS को लेके चलते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि LHS से कुछ दूर पहुंचेंगे, उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो RHS को भी तोड़ने लगना, समझ रहे हो ना। देखो ना, हम इसी को करते हैं, अगर डायरेक्ट आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो RHS को भी ब्रेक डाउन करेंगे। अब LHS में सबसे पहला मेरा काम है cot को साइन में लिख लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot a इज इक्वल टू cos a अपॉन साइन a, cos थीटा मतलब a, cos अपॉन साइन a माइनस cos a, यही है, नथिंग इज देयर, वन इज देयर अपॉन,
cot a is cos a upon sin a plus cos a, nothing is there, one is there. ऊपर में LCM लोगे तो क्या आ जाएगा, sin a, यहां पे cos a at is as it is रह जाएगा, cos a minus one in divided by sin a, sin a, और sin a into cos a became sin a into cos a. यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, फिर नीचे में आओगे तो sin a LCM होगा और ये क्या बन जाएगा, sin a है ऑलरेडी तो ये cos a प्लस cos a इंटू साइन ए, ये साइन ए, साइन ए कट गया. ऊपर में क्या बचा हमारे पास, देखो तो ये cos a माइनस साइन ए cos a, इसमें से हम चाहे अगर अच्छे से ध्यान दे तो हम cos a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वन माइनस साइन ए अपॉन, नीचे से भी अगर cos a कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए, ये cos a कट गया, यानी ओवरऑल यहां से हमें क्या मिल गया, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए. अब कोई बच्चा चाहे तो LHS को ही आगे बढ़ के बना सकता है, cosec में चेंज कर सकता है, क्योंकि साइन इज reciprocal ऑफ cosec, तो साइन की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cosec. का कोई बच्चा चाहे तो इसको भी चेंज कर सकता है. कोई बच्चा बोलेगा सर हम RHS को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 हो चुका है, 13 हो चुका है, मिटाते हैं. दोनों तरीके से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, या तो RHS से आगे बढ़ सकते हैं या LHS से आगे बढ़ सकते हैं. देखो RHS से आगे बढ़ोगे तो cosec a को लिख दोगे 1 अपॉन RHS को लेके चलते हैं, तो लिख दोगे 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर. LCM लोगे तो साइन ए इज द LCM, 1 माइनस साइन ए ऊपर में आ जाएगा, नीचे में LCM लोगे तो साइन ए इज द LCM, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, और ये कट जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए. तो आप बोल सकते हो कि यहां पर जो आपके पास LHS है वो RHS के बराबर हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया. प्रूव डेट करना था, लेकिन कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम RHS को लेके नहीं चलेंगे, ये दोनों तो बराबर हो गए लेकिन हमको ये नहीं माना, इसी को आगे बढ़ना, तो बढ़ो इसी को. कोई बच्चा आगे बढ़ेगा तो लिख सकता है 1 माइनस 1 अपॉन cosec a अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन cosec a. अब यहां से नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर. कोई बच्चा LCM ले लेगा तो LCM क्या हो जाएगा, cosec a, और यहां पे आ जाएगा क्या, cosec a माइनस 1 अपॉन, नीचे में LCM लोगे तो cosec a, और ये भी मिल जाएगा cosec a प्लस 1 अपॉन cosec a, ये cosec a कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, cosec a माइनस 1 cosec a प्लस 1. या तो LHS को ही आगे बढ़ा के हम पहुंच सकते थे और नहीं मन किया तो इसको छोड़कर RHS को आगे बढ़ाया और LHS RHS को बराबर कर दिया. तो दोनों तरीका नहीं करना है आपको, कोई एक तरीका करना है, या तो ये मत करो और ये वाला कर लो, LHS यहां तक पहुंचे आप और RHS यहां तक पहुंचे आप और LHS बराबर RHS कर दिया, या फिर LHS को आगे बढ़ाते बढ़ाते यहां तक पहुंच गए अगर पॉसिबिलिटी थी तो. इस तरह से एग्जांपल नंबर 14 भी समझ में आया, यानी सबसे पहला लॉजिक इस पूरे एक्सरसाइज का यही है हमारा कि सबसे पहले साइन कॉस में तोड़ते चलो. अब देखो सर आपका लॉजिक तो यहां काम नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी साइन कॉस में दिया गया, तो क्या हम RHS को लेके चले, बताते हैं. इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पूरा टोटली डिफरेंट होंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट होगा एक ही कॉन्सेप्ट होगा और जो आपको हर जगह वही लगाना है. उस क्वेश्चन को या तो याद कर लो या तो समझ लो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं. इसको इरेज करें, लिख लिया होगा आपने, आप समझ गए मेरे कहने का मतलब. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 पे, जो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एग्जाम्पल नंबर 15 में देखो क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 15 में कहता है प्रूव डैट, इसको भी रेज कर देते हैं, 14 भी हो गया है. समझ में आ रही है चीजें? देखो सबसे पहला काम साइन कॉस में तोड़ना था. ज्यादातर क्वेश्चन अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स ली है, अब तो रूल आ गया है बेसिक और एडवांस का, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स ली है तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम चांसेज है आने के, फिर भी कर लो आप. एग्जाम्पल नंबर 15 में है हमारे पास साइन थीटा माइनस cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 upon sec theta minus tan theta. अब देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि LHS में ऑलरेडी sin cos में दिया गया है,
अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि जो भी क्वेश्चन में साइन कॉस में तोड़ो उसके बाद आगे बढ़ो तो इजी हो जाएगा, लेकिन यहां तो ऑलरेडी साइन कॉस में दिया गया, तो यहां एक दिमाग लगाएंगे साइन में क्या ऐसा डिवाइड करेंगे, या तो सेक मिल जाए या तो टेन मिल जाए। तो साइन में सर आप कॉस डिवाइड कर दोगे तो टेन मिल जाएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस से डिवाइड करो। मतलब इसमें देखना है कि साइन में क्या ऐसा डिवाइड करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको या तो साइन से डिवाइड करना होगा या तो कॉस से डिवाइड करना होगा, ये रूल है। तो आपने साइन में अगर साइन से डिवाइड किया तो आपको टेन नहीं मिलेगा, साइन में अगर कॉस से डिवाइड किया तो टेन मिल जाएगा। तो सबसे पहला एलएचएस को लेना है और एलएचएस में करना है डिवाइड कॉस थीटा इन बोथ दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसे क्वेश्चन के यही लॉजिक्स है। एक्सरसाइज में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, जब बताएंगे तो देखना वहां पे हो सकता है साइन थीटा से डिवाइड हो रहा हो। तो डिवाइड किया हमने कॉस थीटा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ऊपर में डिवाइड किया तो क्या लिखा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन, नीचे में लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब देखो इस कॉस थीटा को डिवाइड करने से हमने क्वेश्चन को नहीं बदल दिया, इसको काट भी सकते थे, ऐसा डिवाइड किया जिससे क्वेश्चन ना चेंज हो जाए। अब इसको इंडिविजुअली चाहे तो लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा, तीनों पर अलग अलग लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो ओवरऑल वही आ जाएगा ना जो हमारे पास है, इन तीनों का एलसीएम लोगे तो यही चीज बन जाएगी फिर से। उसी तरह नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकेम टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकेम वन कट जाएगा, और वन अपॉन कॉस थीटा बिकेम सेक थीटा। देखो आरएचएस के बराबर कुछ कुछ दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब नीचे में साइन अपॉन कॉस बिकेम टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल्ड आउट बिकेम वन माइनस वन अपॉन कॉस थीटा बिकेम सेक थीटा। अब टेन थीटा और सेक थीटा को इधर एक तरफ लिख लो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस वन को इधर लिख दो, और नीचे वाले में टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, नीचे वाले को एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो वन की जगह सेक और टेन में रिलेशन लगा के क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये लॉजिक हमेशा चलेगा जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें साइन कॉस में ऑलरेडी दिया गया होगा, उसको हमें सेक टेन कॉट कॉसेक में चेंज करना होगा तो वन की जगह पुट करना होगा हमें। तो हम जानते हैं कि वन बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वन बराबर तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है, लेकिन यहां पर हमारे पास टेन कॉस में है, सेक में है, तो हमने टेन सेक में रिलेशन देखा तो देखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज वन। तो हमने क्या किया, यहां से ये क्वेश्चन भी रेज कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने लिख रखा है, प्रूव करना है हमें। अब यहां से हमने जब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा तो हमने एक बात देखा कि वन की जगह हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ब्रैकेट के अंदर क्योंकि माइनस साइन है, यहां लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे, नीचे वाला एज इट इज टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है, हाँ दिख रहा है। तो अब आप इसको आगे आओगे, देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो अगर आप चाहो तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ सकते हो। तो यहां से आप लिख सकते हो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी में आपने तोड़ दिया और अपॉन का एज इट इज रहने दिया टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं की, देखो तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले सकते हो, तो यहां से आपने कॉमन ले लिया टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो इस जगह पे क्या बचा, कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो वन बचा, इस जगह पे माइनस, और इस जगह पे क्या बचा, ये ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, सिर्फ ये बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में एज इट इज टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। यहां तक कोई डाउट है? अब देखो तो इसको जब आप खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखना ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा वन, खोलो इसको, इसको जब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बन जाएगा वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा,
माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, तो ओवरऑल आ जाएगा वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नीचे में भी है यानी आपने देखा ओवरऑल जो ब्रैकेट के अंदर आया वो पूरा इस पूरे से कट जाएगा, यानी आपके पास बच क्या गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, आपके पास बच गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा। लेकिन लाना क्या है आपको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसका दो तरीका है, या तो आप इसके नीचे अपने मन से वन लिख सकते हो, देखो समझ रहे हो यहां तक एकदम अच्छे से, इस पार्ट को अब इरेज कर दें, इसका यूज खत्म हो चुका है ऑलरेडी, आप देख चुके हैं जगह नहीं है और इसको इरेज नहीं करना चाहते हैं हम, ये वाला पोर्शन आपने लिख लिया होगा। और लास्ट ही क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए, तो आपके पास नीचे देखो आपको चाहिए क्या, प्रॉब्लम ये है कि आपको चाहिए वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप एक काम करो कि आप LHS के पास, आपके पास LHS में आया है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, नथिंग इज देयर, वन इज देयर, तो वन को फिर से आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो लिखोगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, फिर से लिख सकते हो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, नीचे वाले को तोड़ोगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा ए माइनस बी, ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा, तो आ गया क्या वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और जो हमारे पास RHS था वेरीफाइड। यानी आपने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह के एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज में है जो अच्छा है, सेम सिमिलर वे है उसमें भी, बस वहां पे कॉट और कॉसेक दिया गया है, तो इसको आप नोट डाउन करो, और ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से डिफरेंट है उसको दो तीन बार प्रैक्टिस करो, आपको ऑटोमेटिकली चीजें ईजी हो जाएगी। बाद बाकी 95% क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको पहले साइन कॉस में चेंज कर लो और उसके सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व हो जाएगी बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में समझा रखा है ऑलरेडी, अगर अच्छे से समझ में आया तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।